जब बात देश की आवाम की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, मैं जिब्रान जरार खान। कनाडा में आम चुनाव खत्म हो गए हैं और कनाडा में दोबारा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ खास अलग हुआ है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी को इस बार चुनाव में जनादेश पूर्ण रूप से नहीं मिला है। इसका मतलब है कि लिबरल पार्टी को कनाडा में जनता ने स्वीकारा तो है, मगर पूरी तरह नहीं स्वीकारा है। अब लिबरल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। 368 सीटों का हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली है। हालांकि बहुमत से वो 20 सीटें दूर है। अब ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि जस्टिन को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी दूसरे का साथ चाहिए। अब वो कौन साथ देगा, इसका चेहरा भी लगभग साफ हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बात हिंदुस्तान की में कनाडा की बात हम क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कनाडा में इस बार भारतीय सरकार बनाने जा रहे हैं। कनाडा में इस बार भारतीय अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये कहे कि किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। जस्टिन को अगर दोबारा कनाडा का वजीर आजम बनना है तो उन्हें किसी के साथ जरूरत है, और वो जात किसका होगा, वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 24 सीटों को मिला के चुनाव जीती है। उनकी पार्टी को 15.9% वोट मिला है। जगमीत सिंह लिबरल पार्टी को अपना समर्थन देने के पक्ष साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्रूडो इस बात का सम्मान करते हैं कि अब एक अल्पमत की सरकार है। इसका मतलब है कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाने की सूरत में अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं पहले ही बता दी थी। इसमें राष्ट्रीय फॉरेंसिक योजना के समर्थन, हाउसिंग में निवेश, छात्रों का कर्ज माफ, समस्या के निपटाने का साथ साथ मोबाइल फोन और इंटरनेट बिल को कम करना, क्लाइमेट एक्शन और कनाडा के अमीर लोगों से टैक्स बढ़ाने शामिल है। तो यह बात तय है कि कनाडा में भारतीय सरकार बनाएंगे और किंग मेकर की भूमिका भी निभाएंगे। जगमीत सिंह की इतनी बात हो रही है, वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्या आपको मालूम है कि जगमीत सिंह कौन है? जगमीत सिंह आखिर कौन है? लिबरल पार्टी के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह काफी अहम हो गए हैं। हालांकि इस बार एनडीपी की 39 सीटों में से 24 हो गई हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार में जगमीत सिंह की भूमिका काफी अहम होगी। दिसंबर 2013 में जगमीत सिंह को अमृतसर आने के लिए भारत ने वीजा नहीं दिया था। जगमीत कैनेडा में साउथ ओंटारियो से सांसद चुने गए हैं। उनकी जड़े पंजाब के बरनाला जिले में ठिठरीकवाल गांव से जुड़ी हुई है। उनका परिवार 1993 में कनाडा शिफ्ट हो गया था। भारत में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर जगमीत हमेशा से मुखर रहे हैं। जगमीत 84 के दंगों को राज्य प्रायोजित दंगा बताते हैं। 2013 में जब भारत सरकार ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, इसलिए भारत सरकार ने मुझसे खफा है, नाराजगी जताते हुए मुझे वीजा नहीं दिया है। और 1984 का दंगा एक राज्य प्रायोजित जनसंहार था। जिस तरह से कनाडा में सिख समुदाय या यूं कहें कि पंजाबी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में यह जानना भी अहम बन जाता है कि आखिर कनाडा में पंजाबियों का इतना टोड़ा क्यों है। आइए जानते हैं कि आखिर स्थिति में पंजाबियों की स्थिति क्या है कनाडा के अंदर। कनाडा में सिखों का दबदबा। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां खास तौर पर सिखों की आबादी काफी है। सिखों की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया। सिखों के प्रति उदारता के कारण कैनेडियाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं दी गई है। कनाडा में भारतवंशियों के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 2015 में भारतीय मूल के 19 लोगों को चुना गया था। इसमें से 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से ही थे। हालांकि 2018 की शुरुआत में ही जस्टिन ट्रूडो पर जब परिवार संघ भारत आए थे तो उनका यह दौरा विवादों से घिरा रहा था। उनका यह 7 दिवसीय भारत दौरा विदेशी मीडिया में भी चर्चा का विषय बना।
कहा यह गया कि कनाडा के खालिस्तान विरोधी ग्रुप सक्रिय हैं कनाडा के अंदर और जस्टिन ट्रूडो की वैसे समूहों से सहानुभूति है। विदेशी मीडिया में कहा गया कि हाल के वर्षों में कनाडा और भारत की सरकार में उत्तरी अमेरिका के स्वतंत्र खालिस्तान के प्रति बड़े समर्थन के कारण तनाव बढ़ा है। दुनिया भर में सिख राष्ट्रवादी पंजाब में खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र देश की कैंपेन चला रहे हैं। कनाडा में करीब 5 लाख सिख रहते हैं। कहा जाता है कि सिख अलगाववादी से सहानुभूति के कारण ही भारत ने ट्रूडो की यात्रा को लेकर उदासीनता दिखाई थी। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बीजेपी नेता शोषाद्री चारी ने बीबीसी से कहा था कि कनाडा की सरकार ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार खालिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा सिख समुदाय कनाडा में बड़ी मात्रा में है। मजाक में कभी कभी ये बात भी कही जाती है कि कनाडा में जाकर ऐसा लगता है कि पंजाब के किसी शहर में आ गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मालूम होता है कि सिखों की कनाडा में अच्छी खासी आबादी होगी। आइए जानते हैं कि सिखों की कितनी आबादी है कनाडा के अंदर। आखिर कनाडा में सिखों की आबादी इतनी कैसे बढ़ी? कनाडा की किसी भी सरकार के लिए सिख इतने महत्वपूर्ण क्यों है? कनाडा में कितने सिख हैं? आज की तारीख में कनाडा की आबादी धर्म और नस्ल के आधार पर काफी विविध है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 22.3% थे। वहीं 1981 में अल्पसंख्यक कनाडा की कुल आबादी में महज 4.7% थे। ये अंतर देखिएगा आप। इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 33% हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा के सीनियर रिसर्च मैनेजर करीम उल असन ने कहा है कि किसी भी प्रवासी के लिए कनाडा सबसे बेहतर देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुल्क प्रवासियों को भी अवसर की सीढ़ी प्रदान करता है और लोग इससे कामयाबी की ऊंचाई हासिल करते हैं। इसके बाद यह बात भी सामने आती है कि आखिर पंजाब और कनाडा में इतने गहरे संबंध कैसे बने, कैसे कनाडा में सरदारों की एंट्री हुई। तो आपको बता दें कि कैसे हुई कनाडा में सिखों की एंट्री, कैसे हुई कनाडा में सिखों की एंट्री। 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आमंत्रित किया था। तब घुड़सवार सैनिकों का एक दल भारत की महारानी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। इन्हीं सैनिकों के साथ एक रिसालेदार मेजर केसर सिंह रिसालेदार कनाडा में ही शिफ्ट हो गए थे। सिंह के साथ कुछ और सैनिक ने कनाडा में रहने का फैसला किया था। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाया। बाकी के सैनिक भारत लौटे तो उनके पास एक नई कहानी थी। उन्होंने भारत लौटने के बाद बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें बसाना चाहती है। अब मामला पसंद का था। भारत से सिखों के कनाडा जाने के सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। तब कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया में 5,000 भारतीय पहुंच गए, जिसमें से 90% सिख थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और इतना बढ़ना इतना आसान नहीं था। इनका आना और नौकरियों में जाना कनाडा के गोरों को रास नहीं आया। भारतीयों को लेकर विरोध शुरू हो गया था। यहां तक कि कनाडा में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे विलियम मैकेंजी ने मजाक में उड़ाते हुए यह भी कहा था कि हिंदुओं को इस देश की जलवायु रास नहीं आएगी। 1907 तक आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्ली हमले शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही भारत से प्रवासियों ने आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए गए। पहला नियम यह बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। हालांकि यूरोप के लोगों के लिए यह राशि महज $25 थी, लेकिन तब तक भारतीय वहां बस गए थे। इसमें से ज्यादातर सिख थे। ये तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। इन्होंने मेहनत की और लगन से कनाडा में खुद को साबित किया। उन्होंने मजबूत सामुदायिक संस्कृति को बनाया, कई गुरुद्वारे भी बनाए। सिखों को कनाडा से जबरन भारत भी भेजा गया। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से भरा एक पोत कोमगाटा मारूक में 1914 में कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था। इसमें से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीयों से भरे उस जहाज को कनाडा ने नहीं घुसने दिया था। जहाज में सवार भारतीयों को लेकर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा। इसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी भी मांगी। 1960 के दशक में कनाडा के लिबरल पार्टी की सरकार बनी, तो यह सिखों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों के बदलाव किए और विविधताओं को स्वीकार करने के लिए
लिए दरवाजे खोल दिए। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत में कुछ इलाकों में लोगों ने कनाडा आना जाना शुरू कर दिया, यहां तक कि आज भी भारतीयों का कनाडा जाना बंद नहीं हुआ है। आज भी तारीख में भारतीय कनाडाई के हाथों में संघीय पार्टी NDP के कमान है। कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा है। कनाडा की कुल आबादी 1.3% लोग पंजाबी समझे और बोलते हैं। अब जब कनाडा में जस्टिन दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो ऐसे में एक तरफ कहीं ना कहीं भारतीय सिखों का कद कनाडा में राजनीति में जो है वो बढ़ने वाला है। अब देखना होगा कि आखिर किन शर्तों पर जस्टिन के लिबरल पार्टी और जगमीत सिंह की नई डेमोक्रेटिक पार्टी करार होता है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जस्टिन को प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत हद तक जगमीत की जायज बातों को मानना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर इन दोनों के बीच क्या करार होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए जिब्रान जरार खान को इजाजत। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा बात हिंदुस्तान की, जहां पे हम देश की जनता की बात आपके सामने रखते हैं, जिनकी बात कोई नहीं सुनता वो हम सुनकर आप तक पहुंचाते हैं। तब तक देखते रहिए बात हिंदुस्तान की। मैं जिब्रान जरार खान कल फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।